अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त आप देख रहे हैं कि पीपल्स बस सर्विस के बाद एक और नया मॉडल हमारे सामने आया है। ये आप जरा चेक करें, अच्छा डिज़ाइन है। अब इसमें कराची वाले सफ़र करेंगे और कम पैसों में अच्छा सफ़र यकीनी बनाया जाएगा। बस का डिज़ाइन चेक करें, कितना शानदार, कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन तैयार किया गया है। और इस वक्त ये टेस्ट ट्रायल के लिए ले जाई जा रही है शहर कराची की सड़कों पे। अच्छी बसें चलाने का ये बड़ा मंसूबा है जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। और ये ख्वाब था कराची वालों का कि कराची में, खासकर पूरे सिंध में, ये सिंध हुकूमत कब तब्दील होगी। मगर अब हम देख रहे हैं कि शहर कराची में मुख्तलिफ बड़ी बड़ी लग्जरी बसें जो है वो आ चुकी हैं। इसकी खासियत ये है कि ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल बस है, यानी कि माहौल दोस्त ये गाड़ी है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, फुल एयर कंडीशन गाड़ी है। और इस वक्त ये मेन नॉर्थ नागाबाद से गुजर रही है, यानी सॉरी नॉर्थ नागाबाद नहीं बल्कि नागन चौरंगी से गुजर रही है। बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत, बड़ी लग्जरी गाड़ी है जिसको कराची वाले जो है वो सफ़र कर सकेंगे। अगर आप देखें, इसके टायर देखें, इसकी गाड़ी देखें, कैसी चमचमाती हुई जा रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कराची वालों को कि खुदारा कोई पान गुटखा आपने नहीं थूकना, क्योंकि ये बड़ी साफ़ सुथरी, बड़ी शफाफ गाड़ी है। अगर आपने पान गुटखा थूका तो ये गाड़ी का जो रौनक है वो ख़राब हो जाएगी। और इस वक्त आप देखें फ्रंट का हिस्सा देखें, जैपनीज, ये जर्मनी स्टाइल है, मगर असेंबल जो है वो चाइना की है। अभी आप देखें, लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से चलेगी गाड़ी, ये अभी इसका फैसला नहीं किया गया। बहुत जल्द इसका फैसला किया जाएगा कि ये बसें चलनी कहाँ से, मगर शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है ये शाहकार। चेक करें, इतनी शानदार है। मैं थोड़ा कहूँगा कि कैमरामैन से थोड़ा सा गाड़ी को साइड पर लगाया ताकि बस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। ये इस वक्त मैं नागन चौरंगी पर मौजूद हूँ, जो कि किसी टाइम पे बारिशों में सबसे ज़्यादा भरा रहता था। और सामने की तरफ देखें, दो इस वक्त गाड़ियाँ जो है वो हमारे सामने और नागन चौरंगी को क्रॉस करती हुई जा रही हैं। बहुत जल्द कराची वाले भी इन बसों में जो है वो सफ़र कर सकेंगे और कम पैसों में। पहले पीपल्स इंट्रासिटी बस जो कि रेड कलर की बसें थी, लोग उसमें सफ़र कर रहे थे। अब चूँकि वाइट कलर की बसें, लोग इसमें सफ़र करेंगे। और बेहतरीन बसें, शानदार बसें इस वक्त नागन चौरंगी से नॉर्थ नागाबाद की तरफ नहीं जा रही, बल्कि ये सोराब मोड़ की तरफ, शफीक मोड़ की तरफ जा रही हैं। और 50 के करीब नहीं बल्कि पूरी 50 बसें चाइना से मंगवाई गई हैं। चाइना से 50 बसें मंगवाई गई हैं, जबकि रेड बसें अलग हैं, ये वाली बसें 50 हैं, जो कि अनकरीब शहर कराची की सड़कों पर आपको देखने को नज़र आएगी। बड़ी शानदार बैक अगर आप देखें इसका, अगर इसका जो पिछला हिस्सा है वो इतना शानदार है। कराची वालों को कहता हूँ भाई, गाड़ी आराम से चलाना, बड़ी अच्छी गाड़ी है, मलिका है, मलिका। अगर ये यकीन माने, इसको पीछे से अगर आपने ठोक दिया तो बड़ा नुकसान होगा। ये इम्पोर्टेड गाड़ी है, मेरे पीछे भी एक आ रही है, ये आगे एक आ रही है, मेरे पीछे एक और है। बेहतरीन गाड़ी है, बेहतरीन। अब कराची वाले इस पर सफ़र करेंगे। पीपल्स बस सर्विस के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं इसको हमारे रूट पर चलाया जाए। शर्जील इनाम मेमन साहब की कोशिश है कि जी जल्द से जल्द इसको शहर कराची की तमाम सड़कों तक वसत दी जाए। और दूसरा ये कि लाड़काना के बाद हैदराबाद वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि हैदराबाद में भी पीपल्स बस सर्विस का जो आगाज़ है वो हो चुका है, और हो नहीं चुका बल्कि टेस्ट ट्रायल पर है। बाकी कराची में मुख्तलिफ रूट जो है वो इसके एक्सटेंड किए जा रहे हैं। एक्सटेंड से मुराद ये जनाब, इसके रूट को एक्सटेंड करना है ताकि शहर कराची के लोग इसको फ़ायदा उठा सकें। वैसे कराची की सड़कों पर इस तरह की जो बसें वो मुश्किल चल सके। उससे पहले इन्होंने क्या किया कि सड़कों की हालत को बेहतर करना है। जैसे ही सड़कों की हालत बेहतर हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये बसें जो है वो उन रूट पर चला दी जाएंगी। क्या पहले क्या किया जा रहा है, रूट का इंतखाब किया जा रहा है, सड़कें ठीक की जा रही हैं। जैसे ही इस रूट की सड़क ठीक हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये जो गाड़ी है आप देखने को आपको नज़र आएगी। शानदार बड़ी लग्जरी गाड़ी है और दिल फरेब मंजर पेश कर रहा है इस वक्त कराची, अगर आप देखें। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बसों का भी ख्याल रखना है, अपने साथ साथ इन ट्रांसपोर्ट जो लग्जरी बसें इनका भी ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।